नेक्स्ट जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता है, आप गर्मी प्रोड्यूस करोगे फ्यूल से गैस की फॉर्म में और वो वर्क डन की वैल्यू में कन्वर्ट करता जाएगा। तो हीट इंजन में कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, तो हीट इंजन इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, पहला पॉइंट है। इसका प्रिंसिपल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कंस्ट्रक्शन में तीन चीजें चाहिए हीट इंजन में। सबसे पहले चाहिए सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर है T1, ये कभी चेंज नहीं होता। आप फ्यूल बर्न करते रहे, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है T1, बहुत हाई टेम्परेचर है सोर्स का। आपका कोई भी इंजन यहां से हीट उठाएगा, तो डायग्राम में बनाना है तो बना लें। मान लो यहां से उसने इंजन ने Q1 हीट को उठाया और कुछ वर्क डन में कन्वर्ट किया, फिर इंजन की जो गैस है उसने हीट को बाहर, बची हुई हीट को बाहर फेंका, और जहां बाहर फेंका जाता है उसको बोलते हैं सिंक। सोर्स से हीट उठाई जाती है, सिंक में फेंकी जाती है। सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। सोर्स का तो बहुत हाई टेम्परेचर है, सिंक तो कुछ भी हो सकता है। सिंक में तो एनवायरमेंट भी सिंक है, बच्चों हीट को एनवायरमेंट फेंक दो, बात खत्म हो गई। तो सिंक है। और अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, जितनी हीट ली थी जितनी फेंक दी बची हुई, बाकी कहां गई, वर्क डन हो गया। तो Q1 माइनस Q2, तो वर्क डन की वैल्यू Q1 माइनस Q2। नहीं, हम ये नहीं खेल खेल रहे कि हाई से लो टेम्परेचर, हम हीट में से काम ले रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये काम हो रहा है। तो गाड़ी कितने वर्क डन कर रही है, Q1 माइनस Q2, ऐसे। ठीक, तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी किसी भी इंजन की क्या होती है, कितना उसने काम किया, काम क्या किया, वर्क डन किया, कितना चला, और कितनी हमसे इनपुट ली Q1। तो एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला नोट करें अपने फॉर्मूला बुकलेट में, W डिवाइडेड बाय Q1। एफिशिएंसी इज W डिवाइडेड बाय Q1, एफिशिएंसी इज W डिवाइडेड बाय Q1। ठीक है, तो एफिशिएंसी W बाय Q1, और W की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2। तो पहला फॉर्मूला ये रहा W बाय Q1, W की जगह Q1 माइनस Q2, Q1 से Q1 1 हो गया। तो सेकेंड फॉर्मूला ये नोट करो, 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला, एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला W बाय Q1, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक, यहां तक। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या क्या चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट इंजन में, एक चाहिए हॉट बॉडी जिसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एक वर्किंग सब्सटेंस चाहिए, आइडल गैस जो हीट को एब्जॉर्ब करती है और उसमें से हीट को बाहर निकाला जाता है, तो आइडल गैस का वर्किंग सब्सटेंस है। और तीसरा इसमें सिंक, जो एक्स्ट्रा हीट जो बची हुई है उसको फेंक दिया जाता है, किसमें, सिंक में। तीन चीजें चाहिए। तो ये आपका बेसिक हीट इंजन है, टाइप ऑफ हीट इंजन, इंटरनल एक्सटर्नल। जब गैस जो को इसके अंदर ही, इंजन के अंदर ही बर्न किया जाता है तो इंटरनल है। वो स्टीम इंजन होते थे, वो पानी ऊपर रख के बॉयलर लगा के बॉयल का स्टीम अंदर एंटर करवाई जाती थी इंजन में, तो वो एक्सटर्नल है। आजकल एक्सटर्नल चलता नहीं, इंटरनल ही चलता है। तो कार्नोट इंजन से स्टार्ट करते हैं।